आर्ट वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसमें से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोगों से कर लीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी फिर मेरे साथ जो है डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उसकी वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी पोर्टल पे। क्वेश्चन नंबर वन, अगर क्वेश्चन देखें तो क्या आप लोगों को माइंड में आ रहा है कि आपने ये क्वेश्चन कहाँ किया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एन प्लस एक्स माइनस वन मॉड, अगर याद है किसी को? ये एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें फंक्शन को हमने कंटिन्यूअस बताना है, डिफरेंशियल बताना है। वहां पे हमने इसको सॉल्व किया था क्वेश्चन को, ग्राफ के लिए। ग्राफ कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली फंक्शन जो है वो भी हमारे पास कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को उसकी फॉर्म बताऊंगी। दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23 की। हमने फर्दर उस क्वेश्चन को किस फॉर्म में सॉल्व किया था? किसको मेरी आवाज कम आ रही है? जी जी मैम, मेरे ना भाई का नेम शो हो रहा है तो मैं ना दोबारा ज्वाइन करूं? दोबारा ज्वाइन करूं? एक्सरसाइज 1.1 नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड प्लस एक्स माइनस वन मॉड। इसमें ग्राफ ड्रा किया था, ग्राफ कैसे ड्रा किया था? बेसिकली अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ठीक है, तो चल गया। अब शो हो रही है? यस मैम, अब हो रही है। जी मैम, थैंक यू सो मच। बच्चे वेटिंग पे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड प्लस एक्स माइनस वन मॉड। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, इसमें जस्ट रिपीट कर रही हूँ इसे कि कंटिन्यूस फंक्शन को आप किस तरह शो कर सकते हो। फंक्शन मॉड फंक्शन था, मॉडुलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसमें हमने इसे प्लस माइनस के साथ मेंशन किया था। मॉड फंक्शन है, लेफ्ट हैंड और राइट लिमिट के लिए हम इसे सेपरेट लेते हैं। लेफ्ट के लिए नेगेटिव साइन के साथ, राइट के लिए पॉजिटिव साइन के साथ। दो फंक्शन हैं आपस में एडिशन के साथ, दोनों का सेपरेट मॉडुलस है, तो इसके लिए फोर कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे। दोनों पॉजिटिव, फिर दोनों नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर फर्स्ट वाला नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाए थे। कॉम्बिनेशन ये आप लोगों के सामने शो किए हुए, मैंने रिपीट कर देती हूँ कि हमने इसे किस फॉर्म में बनाया था। एक्स मॉड इज इक्वल टू हमारे पास आता है, ब्रैकेट हमने ओपन की थी एब्सोल्यूट वैल्यू की, उसमें हमारे पास फंक्शन जो है वो जीरो के ऊपर ग्रेटर एंड इक्वल टू और लेस एंड इक्वल टू के साथ डिफरेंट वैल्यू। सिमिलरली एक्स माइनस वन जो फंक्शन है, इसका मॉडुलस हमारे पास वन के लिए, ग्रेटर देन वन के लिए पॉजिटिव एक्स माइनस वन और लेस एंड के लिए नेगेटिव माइनस एक्स माइनस वन के साथ वैल्यू देगा। दोनों को पहले नेगेटिव लिया है, फिर दोनों को पॉजिटिव लिया, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ यहाँ पे सॉल्व किया था। फर्दर मैं इसको सारा रिपीट नहीं करूंगी, मैंने अब इसको एक्सप्लेन कर दिया है किस फॉर्म में हमने इसको शो किया था। फिर वैल्यूज ले थी, एक्स लेस देन जीरो के लिए ये ऊपर वाला फंक्शन था, फिर ग्रेटर वन के लिए सेकेंड और दरमियान वाली वैल्यू के लिए। ग्राफ देखें तो ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूस ग्राफ बन रहा है, ये देखें कंटिन्यूस ग्राफ है। इट मीन फंक्शन जो था हमारे पास वो कंटिन्यूस है। अब अगर हमने इसकी कंटिन्यूटी शो करनी है तो क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन कर दिया कि हम उसकी कंटिन्यूटी पहले शो कर चुके हैं। कंटिन्यूटी शो करने के लिए आपको इसका सारा ये प्रोसीजर करना पड़ेगा कि यहाँ से फंक्शन बनाए, सिर्फ ग्राफ नहीं आप इसका बनाएंगे, और जिस पॉइंट के लिए सिर्फ कंटिन्यूटी पूछी है सिर्फ और सिर्फ हम उसी के लिए उसकी कंटिन्यूटी डिफाइन करेंगे। हमारे पास वहाँ पर कंटिन्यूटी पूछी है उसने जीरो एंड वन के लिए,
तो 0 और 1 के लिए कंटिन्यूटी ऑब्वियसली हम क्वेश्चन करते हैं तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है, इसलिए उसने कहता है हम आर्बिट्रेरी इसको वैल्यूज को लेंगे और फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी, हमारे पास थ्री टाइप्स की डेफिनेशन थी कि लेफ्ट और राइट लिमिट सेटिस्फाई हो, लिमिट और ऑन द पॉइंट फंक्शन जो है वो दोनों का आंसर सेम हो, या लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड ऑन द पॉइंट तीनों चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन मेरे पास यहाँ पे डिफाइन है, उसके अंदर उसने लेट कर लिया कि एक्स अप्रोचेस टू ए की फॉर्म, एक्स अप्रोचेस टू ए आर्बिट्री नंबर लिया, पुट किया है, पुट करने का अगर आप देखें तो रिजल्टेंट में आंसर वही आता है जो कि पॉइंट पुट करने के बाद आता है। दस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे सॉल्व नहीं किया डिटेल से क्योंकि हम लोग इसे पहले कर चुके हैं और मैंने बता दिया आप लोगों को कि हमने पहले इसे कहाँ से किया, डिटेल से सॉल्व करने के लिए आप उसे वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी जस्ट डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दो डेफिनेशन थी हमारे पास, मैथमेटिकली हमारे पास दो डेफिनेशन है, इनवर्ड फॉर्म में हमारे पास बहुत सारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ये दो डेफिनेशन आप जो सी मर्जी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर लें, जोन सी भी आप क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, दोनों से रिजल्टेंट में आंसर जो है वो सेम आएगा, इफेक्ट कोई नहीं आएगा। डिफरेंस दोबारा से बता देती हूँ कि दोनों डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। ऊपर वाली डेफिनेशन में फंक्शन एग्जैक्ट सेकंड पॉइंट पे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो है, और माइनस में सेकेंड पॉइंट पे जहाँ पे हम पहुंचते हैं जो हमारे रेट ऑफ चेंज की फॉर्म आती है उसका डिफरेंस ओवर एज जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया है। सेकेंड वाली डेफिनेशन में ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स और माइनस सेकेंड पॉइंट पे जो फंक्शन है वो और एक्स माइनस है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी सेम आएगा जो कि ऊपर ही कंडीशन के साथ है। ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव सेम आएगा। एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल्स में आप जोन सी डेफिनेशन भी यूज करना चाह रहे हैं आप उस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है वो सेकेंड वाली डेफिनेशन यूज किया उसने, ओरिजिनल फंक्शन माइनस एट दैट पॉइंट जिसमें हमने फंक्शन की कैलकुलेशन करनी है वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ओवर में एक्स माइनस जीरो यानी कि फंक्शन का पॉइंट और माइनस जिस पे इसकी लिमिट चेक करनी है वो जीरो। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, फंक्शन मेरे पास ये फंक्शन है इसके अंदर मैं वैल्यू को पुट करूंगी जीरो तो मेरे पास ये सारा का सारा जीरो बनता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला जो है एक्स माइनस वन उसके लिए मेरे पास जीरो माइनस वन बनता है जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन मोड के साथ। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के साथ भी हम चलेंगे तो यहाँ पे माइनस का मोड खत्म करते हुए सबके साथ माइनस का साइन आएगा और एक्स जो है वो ओवर में सबके साथ इसने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करना चाह रहे हैं ठीक है वरना एज इट इज भी रहने दी, कैंसिल होगा एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स। सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पे आपके पास माइनस वन आएगा एक्स एक्स से कैंसिल होके, ये भी माइनस एक्स एक्स से कैंसिल होके आपके पास जो है वो माइनस वन रहेगा, माइनस वन और फिर फर्दर माइनस वन और फिर सेकेंडली प्लस वन ओवर एक्स और माइनस वन ओवर एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन भी किए हैं लेकिन दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस टू आ जाएगा क्योंकि ये माइनस वन और माइनस वन जो है वो माइनस टू हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो माइनस टू मेंशन भी किया हुआ है आंसर। राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम वो प्रोसीजर है, सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस जो है वो जब आप स्किप करेंगे तो राइट हैंड के लिए हम लेते हैं मॉडुलस को प्लस में तो सारी यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे प्लस में। सिंप्लीफिकेशन करेंगे आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर सेम नहीं आ रहा, दोनों डिफरेंट हैं, इट्स मीन हमारे पास आंसर जो है वो क्या बनेगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वन के लिए भी सेम यही प्रोसीजर, सिर्फ और सिर्फ लिमिट आपने वन लेनी है यहाँ पे और क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे फर्दर जो है क्वेश्चन बाकी जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स तक वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर सेवन से ऑनवर्ड क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर सेवन दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी पीस वाइज फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर सिर्फ हमने उसको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल शो करना है। पीस वाइज फंक्शन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल शो करना ज़्यादा ईजी है बनिस्बत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन दोनों सेपरेट दिए गए हैं x लेस देन 1 x की पावर 3 इफ x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 ax प्लस बी।
लेफ्ट हैंड यानी कि x लेस देन वन, राइट हैंड यानी कि ए एक्स प्लस बी के साथ फंक्शन यहाँ पे दिया गया, ठीक है. लिमिट x अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मैं फंक्शन को कंटिन्यूस चेक कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ. लिमिट पुट करेंगे आंसर जो है वो वन आएगा. राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव साइन के साथ, लिमिट x अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों को इक्वल लेते हुए और ऑन द पॉइंट भी फंक्शन का आंसर जो है वो एफ ऑफ वन के ऊपर मेरे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन बनेगा ये एक्स प्लस बी. एक सीधा पे वन पुट करेंगे तो ए प्लस बी आएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द पॉइंट को तीनों को इक्वल लेंगे और हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, उसे हम इक्वेशन नंबर वन का नेम देंगे, ठीक है. इसके बाद जो है सेकेंडली हमने इसके अंदर क्या था, क्या डिफाइन करना है, डिफ्रेंशियबिलिटी. डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे मेंशन करूंगी. सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सब्स्टिट्यूशन करेंगे एफ ऑफ एक्स. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की पावर थ्री, उसे मेंशन किया एक्स की पावर थ्री यहाँ पे, एक्स की पावर थ्री. और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ वन के लिए, वन के लिए मेरे पास क्या आएगा, यही सेम ऊपर वाला फंक्शन ही आएगा, उसमें वन पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक्स की पावर थ्री है तो वन की पावर थ्री वन आ जाएगा, ठीक है. ओवर में एक्स माइनस वन एज इट इज आएगा, सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके मेरे पास जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई है. सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, यहाँ पे एक्स की पावर थ्री माइनस वन की पावर थ्री, फॉर्मूला ओपन हो सकता है. फॉर्मूला ओपन किया है ए की पावर थ्री माइनस बी की पावर थ्री वाला, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन के साथ ओवर एक्स माइनस वन. नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एक्स माइनस वन कैंसिल होगा. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट एंड में आंसर जो है वो थ्री आते हैं. ये तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर. अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड के लिए मेरे पास फंक्शन कौन सा दिया गया है, ए एक्स प्लस बी. ये ए एक्स प्लस बी इफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू वन, ये राइट हैंड के लिए. तो राइट हैंड के लिए जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे फॉर्मूले के अंदर तो आप राइट हैंड वाला जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सिंप्लीफिकेशन करूंगी, ये बी और ये माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए एक्स माइनस ए रह जाएगा. ए कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स माइनस वन नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा और रिजल्टेंट में आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा ए. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू थ्री. ए इज इक्वल टू थ्री और फर्स्ट जो फंक्शन कंटिन्यूटी बताई हुई है तो कंटिन्यूटी फंक्शन के लिए फर्स्ट में हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ए की पावर सॉरी ए इज इक्वल टू थ्री को, और आपके पास रिजल्टेंट में बी इज इक्वल टू माइनस टू आंसर आ जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन क्लियर है, बी इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा माइनस टू. अब नेक्स्ट पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट, वो सेम क्वेश्चन नंबर सेवन की तरह ही है. इसमें भी पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, मैं इसको जस्ट बता डिफाइन कर देती हूँ कि आपने इसे कैसे सॉल्व करना है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, ऊपर आपके पास था एक्स पावर थ्री, और ए एक्स प्लस बी सेम क्वेश्चन नंबर सेवन वाला ही सेकंड पार्ट दिया हुआ है. इफ जीरो एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू पाई ओवर सिक्स एंड एक्स ग्रेटर देन पाई ओवर सिक्स, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर सिक्स पे. इसमें लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव लें सॉरी लिमिट लोगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल ले लें, और सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लोगे इक्वल लोगे तो दो इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करके आंसर निकालें, ठीक है. नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर नाइन पीस वाइज फंक्शन ही है लेकिन यहाँ पे उसने उसको थोड़ा डिफरेंट लिख दिया है. क्वेश्चन डिफरेंट टाइप में लिखने से क्वेश्चन के मीनिंग चेंज नहीं होंगे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टैन हाइपरबोलिक वन ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और सेकेंडली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो क्वेश्चन में डिफाइन है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, इट्स मीन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है मेरे पास यहाँ पे जीरो. डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है. हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो बाकी क्वेश्चन के इसमें डिफरेंट है. हाइपरबोलिक के अकॉर्डिंग हमने अभी तक जो है वो लिमिट कैलकुलेट नहीं की, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं लेकिन इसमें लिमिट कैलकुलेट नहीं की हमने. यहाँ पे अब इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले लिमिट कैलकुलेट करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स टैन हाइपरबोलिक वन ओवर एक्स, सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करूंगी क्योंकि यहाँ पे टैन हाइपरबोलिक वन ओवर जीरो, जीरो पे लेना है तो टैन हाइपरबोलिक इन्फिनिटी का आंसर अभी तक डिफाइन मेरे पास नहीं है, इसलिए इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सेकेंड मेथड यूज करते हैं जो बेसिक मेथड है। हमने साइन कॉस टैन कॉसिकेंड कॉट सिकेंड इन सब की लिमिट के अंदर सिंप्लीफिकेशन इसी फॉर्म में किया कि उनको कॉस और टैन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक को भी उसके बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करके हम सॉल्व करेंगे कि एक्स एज इट इज ही आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स एज इट इज आएगा, टैन हाइपरबोलिक वन ओवर एक्स इसके इक्वल होता है, ये यहाँ पे मेंशन है लेकिन ये कैसे लिखा है ये मैं बता देती हूँ, मैं इसको एक्स के फॉर्म में बताती हूँ। टेन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो कि डिनोमिनेटर में आता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू, ऊपर वाली वैल्यू में से डिनोमिनेटर वाला टू और नीचे वाली वैल्यू में से डिनोमिनेटर वाला टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इस वक्त मेरे पास जो एंगल है वो 1 ओवर x है, इसलिए मेरे पास जो पावर्स हैं उसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर x और माइनस 1 ओवर x दोनों के अंदर ऊपर और नीचे सारी सेम एंगल आएगी। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन की आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि e की पावर माइनस 1 ओवर x जो है वो ओवर में चला जाएगा और ओवर में जाके ये पावर क्या होगी प्लस हो जाएगी, तो ये ऊपर से आपके पास वैल्यू आ जाएगी e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर माइनस जो है वो प्लस होके 1 ओवर x। एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के पास आपके पास e की पावर 2 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से e की पावर 1 ओवर x जब आप कॉमन लोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कैंसिल होके तो आपके पास सिंपल ये फंक्शन रह जाएगा x into e की पावर 2 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 1। अब हम इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए और लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव के लिए सिंपल यही फंक्शन यूज करेंगे और इसी को यूज करते हैं लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिमिट लूंगी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें फंक्शन एज इट इज मेंशन किया। अब आगे ये किस फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन हुई है, एक्स पे लिमिट अप्लाई करोगे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो। सेकंड वाले फंक्शन में से माइनस वन किस फॉर्म में आएगा, मेरे पास जीरो नेगेटिव है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल करवाते हुए भी मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए जब आप लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब पावर में वेरिएबल आता है तो उस वेरिएबल के साथ उसका साइन भी मेंशन करते हैं। यार जमी आवाज कम कर ले, मुझे यहाँ हैंड फ्री दे दे। क्या हो गया है, कौन बोल रहा है? शोएब अहमद अपना माइक बंद करके कहो जिसको भी कहना पीछे। e की पावर 2 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 2 ओवर x प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ हमने उसकी नेगेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस भी सब्स्टिट्यूट करने हैं सिंपल सिर्फ एक्सपोनेंशियल में। e की पावर 2 ओवर माइनस 0 तो ये बनेगा e की पावर माइनस 2 ओवर 0 मीन इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो ओवर में जाएगा और ये बनेगा e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, समथिंग पावर इन्फिनिटी जीरो जैसे समथिंग ओवर हमारे पास जीरो जो है वो इन्फिनिटी आता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी यानी कि वन ओवर इन्फिनिटी बनेगा तो किसके इक्वल आएगा जीरो के। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी e की पावर 2 ओवर x जो है वो जीरो के इक्वल आएगा, जीरो माइनस वन ओवर जीरो प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा सिंपल माइनस वन, ठीक है। माइनस वन जब ये बाहर वाले x को हमने लिमिट अप्लाई करके जीरो डिफाइन किया, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर जो है रिजल्ट करने के आ जाएगा जीरो। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव भी जीरो को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, एक्स इंटू ई की पावर टू ओवर जीरो ओवर ई की पावर टू ओवर जीरो। अब ये मेरे पास फॉर्म बनती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मुझे इसको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी से खत्म करने के लिए ई की पावर टू एक्स नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन लूंगी तो मेरे पास ये रह जाएगा,
वो आपस में कैंसिल हो गए, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 ओवर x और 1 प्लस e की पावर माइनस 2 ओवर x के साथ आएगा, ठीक है। अब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो अब लिमिट अप्लाई करने से ये मेरे पास 0 ओवर 0 फॉर्म या इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म नहीं बनती। बाहर वाले x पे लिमिट अप्लाई करूंगी तो मेरे पास 0 आ जाएगा, और अंदर जब लिमिट अप्लाई करूंगी इस फंक्शन के ऊपर तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन के बाद आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन कंटीन्यूअस है मेरे पास 0 के ऊपर। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर करना है जो हम लोगों ने अभी ऊपर किया है, सेम वही फंक्शन लेना है। वकास अहमद माइक बंद करो अपना। डेरिवेटिव के लिए क्वेश्चन उसने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करूंगी। ये फंक्शन है हमारे पास, और सेकेंडली हम अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन, फॉर्मूला अप्लाई किया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0। एफ ऑफ 0 के लिए तो फंक्शन वैसे ही 0 है तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। एफ ऑफ एक्स अब कैसे लिखा है जबकि मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स ये चीज है, इसके साथ ये देखें साथ में एक्स भी मेंशन है। ये x और ये जो डिनोमिनेटर वाला x है ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। यहाँ पे उसने थोड़ा सा डायरेक्ट मेंशन किया, आप बेशक से डायरेक्ट नहीं करें, ये चीज़ आपके पास मेंशन की है, मैंने दोनों हाईलाइट कर दी हैं। x कैसे कैंसिल हो गया वो भी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये x जो है फॉर्मूले वाला जो नीचे डिनोमिनेटर में x है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगी, ठीक है। इसको दोबारा से प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस हम अभी ऊपर करके आए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन के साथ जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट उसका ये देखें रिजल्टेंट में आंसर क्या आ रहा था। मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा था -1, ये मेरे पास आंसर आ रहा है -1, यही -1 जो है यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है, x से कैंसिल हो जाएगा। फंक्शन आपके पास ये दिया गया था ऊपर, इसके अंदर भी डायरेक्ट हमने राइट हैंड लिमिट सेटिस्फाई की है, इसका रिजल्टेंट में आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और यही 1 मैं यहाँ पे इसका रिजल्टेंट में आंसर यूज कर दूंगी। डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन कंटिन्यूस हो तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूस भी लाजमी होगा, ठीक है। और फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है जब उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पे है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेट पॉइंट, जो पॉइंट्स दिए गए हैं साथ में मेंशन है, कहता है क्वेश्चन नंबर 10-12 आप लोगों से सॉल्व करेंगे। पॉइंट्स साथ में दिए गए हैं 2 और 4, ये एक पॉइंट है जिसमें 2 एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू 4 है। इन पॉइंट्स को डेरीवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली डेरीवेटिव कहलाता है। डेरिवेटिव और स्लोप ऑफ टेंजेंट में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। जब डेरिवेटिव निकालने का बोला जाता है तो आप उसे बाय फार्मूला या आप उसे डायरेक्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन जब स्लोप ऑफ टेंजेंट का बोला जाता है तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स फॉर्म में। डेरिवेटिव किस फॉर्म में यूज किया हुआ है, पावर रूल अप्लाई किया है, पावर स्टार्ट में आ गई है, एक्स की पावर 2 डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट में, पावर में से एक लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर में से जब एक लेस करोगे आप तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा एक्स की पावर 2 माइनस 1 और एक्स की पावर 1 रह जाएगी। 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म बनेगी 2x, 2x डेरिवेटिव बनेगा एक्स स्क्वायर का। अब इसके अंदर पॉइंट पुट करना है 2, 4 के साथ एक पॉइंट दिया गया है। अगर आप यहाँ पे आंसर देखें डी वाई ओवर डी एक्स का तो ये मेरे पास आ रहा है 2x, लेकिन यहाँ पर y की कोई पॉइंट वैल्यू नहीं है इसलिए सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस होगी। x क्या है मेरे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 जो है रिजल्टेंट में आंसर आ जाएगा 4, विच इज द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द गिवन कर्व, जो भी लाइन या कर्व दिया गया y इक्वल टू x के उसके अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई करके डिफाइन कर दिया। सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू 1 ओवर x। I'm sorry, ma'am. ये question दोबारा repeat कर देंगे, समझ नहीं आई सही। दोबारा repeat कर देती हूँ question को।
थैंक यू मैम. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये सारी की सारी जो है ये डेरिवेटिव होते हैं डायरेक्ट. नॉर्मल जो है वो टेंजेंट का ऑपोजिट होता है. किसी भी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो हमारे पास टेंजेंट कहलाता है. और टेंजेंट उसी फॉर्म में आता है जब दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंस ले रहे होते हैं. एक पॉइंट के अकॉर्डिंग दूसरे पॉइंट में जो डिफरेंस आता है यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स. मैथमेटिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव. ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस डी वाई डिफरेंस ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ एक्स, ये रेट ऑफ चेंज है. ये हमारे पास डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाती है. दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जब आपको डेरिवेटिव किसी भी चीज़ का निकालने के लिए बोला जाता है तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर ऊपर क्वेश्चन नंबर 9, 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे हमने डेरिवेटिव निकालने थे बाय फार्मूलाज किए. आप उसे विदाउट फार्मूला डायरेक्ट डी वाई ओवर डी एक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन जब स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जाता है तो हमने इसे डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है. अब डेरिवेटिव कैसे लिया है, ये पावर रूल है. पावर आ रही है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे. डेरिवेटिव लेते वक्त ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी. पावर स्टार्ट में मीन मल्टीप्लाई होगी साथ में 2 और x की पावर 2 है. इसमें से एक माइनस करते हैं पावर में से, माइनस 1 करोगे तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1. तो x की पावर यहाँ पे 1 जो कि हम मेंशन नहीं करते. फिर हम लेते होते हैं वेरिएबल का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव. डी एक्स ओवर डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं जो कि 1 आता है. तो यहाँ पे 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करके 2x ही रहेगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, उसके बाद हमने इसमें पॉइंट पुट करना है. कहता है जो आपने स्लोप निकाली है उसको ये जो गिवन क्वेश्चन में पॉइंट्स हैं वो पुट करके डायरेक्ट जो कॉन्स्टेंट आंसर है वो रिक्वायर्ड स्लोप बताएं. 2 और 4 ये एक पॉइंट है. 2 और 4 मीन एक पॉइंट, जैसे हम रियल लाइन पे लेते हैं एक्स और वाई या ग्राफ बनाते लेते हैं कोई सा भी फर्स्ट वैल्यू एक्स की और सेकंड वाई की, इसी तरह यहाँ पे भी ये मेंशन है. ठीक है, फर्स्ट जो है 2x का पॉइंट है और वाई जो है वो 4 यहाँ पे दिया गया. वाई अब हमारे क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है तो हम सिर्फ एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे. तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2. इस एक्स की जगह पे जब 2 पुट करोगे तो ये वाला 2 बाहर वाले जो 2 मतलब कॉन्स्टेंट 2 है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्टेंट में आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है अब? ओके मैम, थैंक यू. अब नेक्स्ट पे है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11. y इज इक्वल टू 1 ओवर x. डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले. इसको आप दो तरह से कर सकते हो, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लो या डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो. x की पावर -1 हो जाएगी ऊपर जाके, तो डेरिवेटिव लेंगे -1 पावर स्टार्ट में आ जाएगी. पावर में से एक लेस करोगे तो -1 के साथ फिर -1 लगाओगे तो -2 हो जाएगा. जो डिनोमिनेटर में आके जो है यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, और साथ में x का डेरिवेटिव 1 आएगा और ये बन जाएगा -1 ओवर x. इसमें पॉइंट साथ में दिया गया 1 1, यहाँ पे 1 पुट करोगे x की जगह पे तो 1 ओवर 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा. तो आंसर जो है वो बाहर वाले माइनस की वजह से आपका आंसर आ जाएगा -1. ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x + 3 एट 7 एट 3. डी वाई ओवर डी एक्स डेरीवेटिव लेंगे तो वही 2x² का डेरीवेटिव 2x आ जाएगा. -7x का डेरीवेटिव -7 बनेगा. 3 का डेरीवेटिव 0 आएगा जो मेंशन नहीं किया गया. 0.7 और 3 उसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 7 आ जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग मुझे बताएंगे जरा जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीज़ वो डिफाइन कर रहा है और क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है. Let is be the velocity of the particle at any given time t. Deduce that the acceleration of the particle at this instant is dv over dt. Velocity of the particle किसी भी time t के according है. अगर आपके पास दी गई है v जो हमने let किया है यहाँ पे question में, उसमें let करके हमें दे दी है. Deduce that तो हमने यहाँ पे find करना है acceleration निकालना है इस velocity according जो किसके equal होगा dv over dt के. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हमने कल की थी उसमें हमने O से P तक का जो डिस्टेंस लिया था वो हमारे पास क्या था, S था.
अभी मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करना बहुत ईजी है. ओ से पी तक जो डिस्टेंस था वो एस था. किस टाइम के अकॉर्डिंग हमने ट्रेवल किया था उस पार्टिकल ने? टी टाइम में. उससे फर्दर जब उस पी पॉइंट से क्यू तक डिस्टेंस ट्रेवल किया था पार्टिकल ने, वो डिस्टेंस था डेल एस और टाइम था डेल टी. यहाँ पे भी जो ये साइन दिया गया इसको भी डेल ही पढ़ते हैं. और हमने जो कल डेल किया था वो ट्राइंगल टाइप डेल था. डेल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस को ही ये शो कर रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है. अब यहाँ पे ओ से पी तक एक पार्टिकल ने मूव किया है, उसमें डिस्टेंस जो है वो एस है और टाइम जो है वो टी था. डिस्टेंस ऑफ एस ओ से पी तक जो डिस्टेंस आया था उसका टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग आई है उसको हमने यहाँ पे वेलोसिटी वी लिया. लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी एट पी पॉइंट आफ्टर टाइम टी. ठीक है, ओ से पी तक जो टाइम टी के अंदर उसने ट्रेवलिंग की है उसका जो हमने रेशियो निकाल लिया टाइम के अकॉर्डिंग वो वेलोसिटी वी है. अब कहता है पार्टिकल पी से क्यू तक उसने मूव करना है. यहाँ तक हमने जो वेलोसिटी निकाली है वी, फर्दर वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी. कहता है वी प्लस डेल वी बी द वेलोसिटी एट क्यू. अब क्यू तक जाने के लिए जो उसने वेलोसिटी में चेंजिंग आई है वो डेल वी है. आफ्टर टाइम टी प्लस डेल टी, और टाइम में चेंजिंग क्या आई है? डेल टी. मीन ओ से पी तक जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास वी और टाइम टी. ओ से क्यू तक जो वेलोसिटी है वो v प्लस डेल v और टाइम t प्लस डेल t के साथ है. ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी डेल v एंड चेंज इन टाइम क्या आया? टाइम में चेंज डेल t. इट मीन कि हम यहाँ पे डेल v वेलोसिटी ऑफ v चेंजिंग ऑफ v ओवर चेंजिंग इन टाइम लिमिट डेल t अप्रोचेस टू जीरो लिमिट अप्लाई करते हुए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? v ओवर dt. मैं इसको शेयर करती हूँ आपके साथ. कल जो हमने किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास किस फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया है. ये देखें, ये कल हमने किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओ से पी तक पार्टिकल ने जो टाइम वो सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसे एस का नाम दिया था टाइम टी के अकॉर्डिंग. पी से क्यू में जो चेंजिंग आई थी वो डेल एस और डेल हमने टी दी थी. अब कहता है फर्दर यही आप चीज ले लें कि वो पीछे हमने वेलोसिटी जो फाइंड की है उस फर्दर आप चेंज करें तो वेलोसिटी को दोबारा से जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन बनता है. ये देखिए डेल एस ओवर डेल टी लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया था? वेलोसिटी वी के. अब इस पॉइंट तक जो वेलोसिटी आई है उसमें फिर आगे फर्दर इस पॉइंट से मूव करने से वेलोसिटी में भी चेंजिंग आएगी. कोई टाइम किसी टाइम टी के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंजिंग आएगी. कहता है जो चेंजिंग आई है बनी है वेलोसिटी के अंदर वो हमारे पास कहलाती है एक्सीलरेशन. जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है सिंपल सिर्फ इस क्वेश्चन को टू और थ्री लाइंस के अंदर ही डिफाइन करना था और इसमें ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? जी मैम. जी अब इससे नेक्स्ट पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16 फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी एंड इस मीन वेलोसिटी का दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन. ठीक है, क्लियर है? यही चीज हमने ऊपर डिफाइन की है कि पहले हमारे पास डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस में चेंजिंग आई है वो वेलोसिटी है और वेलोसिटी की फिर चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग जो आई है वो क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन. यानी कि पहले आपको जो फॉर्म दी हुई है s इज इक्वल टू वन ओवर टी प्लस वन, पहले आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो वेलोसिटी आएगा जिसने मेंशन भी किया है. फिर उस वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे दोबारा से जिसे हम स्क्वायर के साथ मेंशन करते हैं तो वो हमारे पास एक्सीलरेशन आएगा. क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16 तीनों क्वेश्चंस में डबल डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव के अंदर 0 1 2 ये 3 3 पॉइंट्स पुट करने हैं और आपके पास जो है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आंसर आ जाएगा. Question number 17. A point moves in a straight line so that its distance s in meters after time t in second is. ये example जो है हमने की थी example number 3 कल, उसी की तरह ये question है.
एस इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 16 डी प्लस 12 फंक्शन दिया हुआ है, एक पॉइंट से मूव किया है स्ट्रेट लाइन में किसी भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन ये बना है, फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी और हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब एवरेज वेलोसिटी अभी मैंने डिफाइन किया है, पहले भी बता चुके हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर लिमिट अप्लाई किए बगैर जो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सॉरी एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। फिर फर्दर उसका जब डेरिवेटिव लिमिट अप्लाई कर लेते हो या डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लो तो वो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी बनती है। ठीक है, अभी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे बाय सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला मीन जो हमने कल फार्मूला किए हैं उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग में इसमें डिफाइन करूंगी एफ डैश ऑफ जीरो, अगर जीरो के अकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास क्वेश्चन वन के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे मैं इसको वन के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए के साथ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है डेल एस ओवर डेल टी इज इक्वल टू एस वन प्लस डेल टी, ये उसने इंटरवल दिया इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो वन प्लस डेल टी माइनस एस वन ओवर वन प्लस डेल टी माइनस वन। गिवन जो आपके पास इक्वेशन है उसके अंदर टी की जगह पे सब्सिट्यूट करेंगे वन प्लस डेल टी और वन की जगह से मेरे पास टी की जगह पे वन पुट करोगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। सिमिलरली ओवर में भी वन प्लस डेल टी और माइनस वन आएगा, वन वन से कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा आपके पास डेल टी। ऊपर फॉर्मूला ओपन करोगे और डेल टी कॉमन लोगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वैल्यू रह जाएगी, डेल टी ओवर वाले डेल टी से कैंसिल होकर आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, 4 डेल टी माइनस 8 द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1। अब हमने टी इज इक्वल टू 1 के लिए वेलोसिटी चेक करनी है तो हम इसका डेरिवेटिव को पहले कन्वर्ट करेंगे एवरेज डेरिवेटिव को लिमिट अप्लाई करते हुए, डेल टी अप्रोचेस टू 0 लेंगे, 0 अप्रोच करेगा तो इट मीन 4 डेल टी माइनस 8, डेल टी की जगह पे 0 पुट करो तो आंसर आ जाएगा माइनस 8। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में भी द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन फीट एट टाइम टी इज एस इज इक्वल टू टी थ्री माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस 9 टी, फाइंड द बॉडीज एक्सलेशन ईच टाइम इट्स वेलोसिटी इज जीरो। बॉडी का एक्सलेशन फाइंड करना है, एक्सलेशन फाइंड करना है मीन कि आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आएगी, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सलेशन आएगा, लेकिन कहता है बॉडी का एक्सलेशन फाइंड करना है व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, जब उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, यानी पहला डेरिवेटिव लेंगे उसको इक्वल टू जीरो लेंगे, उसमें से जो भी पॉइंट आएगा हम सेकंड डेरिवेटिव लेके उसके अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वेलोसिटी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एस इज इक्वल टू टी थ्री माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस 19, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव सेम उसी रूल के साथ कि पावर स्टार्ट में पावर में से कैश करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस 6 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 12 टी एंड प्लस 9 टी का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है वरना कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 बनता है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव भी ले लिया उसने पहले ही क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन एक्सेलरेशन को वेलोसिटी जब 0 है उस पॉइंट पे फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0 इज गिवन इन द क्वेश्चन, so we will take first derivative is equal to 0 and calculate the points of t. t ke points ko calculate karne ke liye first derivative 0 liya, quadratic equation hai, usko simplify kiya, do points aaye hain t is equal to 1 and 3 ke saath. theek hai, dono points ko humne find kiya aur jo humne second derivative liya tha yani ki jo acceleration humne liya uske andar use substitute karenge, सब्सिट्यूट करने के बाद जो है हमारे पास जो भी आंसर आएगा t इज इक्वल टू 1 पे माइनस 6 और t इज इक्वल टू 3 पे मेरे पास आंसर जो है वो 6 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। क्वेश्चन है उसमें से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से भी पूछ लें। मैम ये नोट्स भी शेयर कर दीजिएगा।
नोट्स भी शेयर कर दूंगी और लेक्चर्स के जो वीडियो लिंक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी मैम, कल वाले लेक्चर्स का भी, कल वाले का भी करूंगी, कल वाले का अभी मुझे टाइम नहीं मिला, लाइट जो थी वो काफी ऑफ थी इसलिए कल वाले का भी कर दूंगी मैम। वो तहरीम इजाज की लाइट ऑफ है तो वो कह रही मैंने क्लास नहीं ज्वाइन